नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी मेयर प्रत्याशी के समर्थन में सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर एक विशाल जन सैलाब के साथ सड़कों पर उतरे। फिरोजाबाद से आम आदमी पार्टी से मेयर पद प्रत्याशी राजकुमारी वर्मा के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। हर हाथ में दिख रही थी झाड़ू। सभी मतदाताओं से अपील की गई कि झाड़ू के बटन पर अपना अमूल्य मत डालकर राजकुमारी वर्मा को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएं। आम आदमी पार्टी ने जनता से क्या क्या वादे किए हैं? आम आदमी पार्टी से अगर मेयर पद प्रत्याशी राजकुमारी वर्मा भारी बहुमत के साथ विजयी होती हैं, तो उनका कहना है कि हाउस टैक्स हाफ किया जाएगा, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की नीति पर वह कार्य करेंगी, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कई दिग्गज नेताओं को फिरोजाबाद भेजा गया है। जिस प्रकार आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि विशाल जनसमूह जन सैलाब के साथ आम आदमी प्रत्याशी राजकुमारी वर्मा और उनके समर्थक किस प्रकार से सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़े जनसैलाब के साथ फिरोजाबाद के जैन मंदिर चौराहे से उन्होंने रोड शो प्रारंभ किया। रिपोर्ट काशिफ हुसैन। कहां तक निकाली जा रही है आपकी और कैसा समर्थन मिल रहा है जनता की तरफ? शाहनगर से रसूलपुर तक पूरे शहर में रैली निकाली जा रही है और जनता का बहुत बहुत मैम आपको रैली निकालने का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जो कि आप लोगों ने कल धरना भी दिया था। इसमें क्या कहना चाहेंगे, किसकी कमी थी, कौन नहीं दे रहा था आपको रैली और प्रचार प्रसार करने की अनुमति, कौन जिम्मेदार है इसका? जब डीएम जी ने 5 गाड़ी की कहा था पालीवाल हॉल में, ठीक है, और एक गाड़ी की परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन नहीं मिली तो इलेक्शन कैसे हो जाए, इसलिए धरना दिया गया था। आपको परमिशन फिर कैसे मिली जब आपने धरना दिया? वहाँ धरना दिया गया ना, जब परमिशन दिया था। आज आप पहली रैली निकाल रहे हैं? हाँ जी, पहली रैली निकाल रहे हैं। आज देखो निकाय चुनाव पूरे स्वभाव पर है और हमारी फिरोजाबाद की प्रत्याशी राजकुमारी वर्मा जी जनसंपर्क कर रही है। फिरोजाबाद की जनता से अपील कर रही है कि वो शहर की सफाई के लिए हाफ टैक्स हाफ वाटर टैक्स माफ जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया है उसके लिए, और जो नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम जो भ्रष्टाचार से आतंक डूबे हुए हैं उनको भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, जन समस्याओं को दूर करने के लिए, एक अच्छा सौंदर्यीकरण करने के लिए आज हमारी मेयर प्रत्याशी राजकुमारी वर्मा जी ने जनता से अपील की है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और रैली की बात है तो हमारा जितना भी पूरा एरिया है जगह जगह हम जाके मुख्य मुख्य रोड पे आ जाएंगे, रसूलपुर थाने तक निकालेंगे हम लोग।